हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं वो रिएक्शंस जो हम बोलते हैं जो खुद ब खुद होती हैं सो ऑल दो रिएक्शन आर कॉल्ड ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच अकर बाई इट और वैन वी इनिशिएटेड अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन सो so कंडीशन क्या होती है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है केमिस्ट्री के गेटा में सो हम उसमें बोलते हैं कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है दैट इज योर जी सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी विच इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव सो ये अगर ये नेगेटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है अगर डेल्टा जी आपके पास जीरो आता है सो तो यार ये रिएक्शन जो होती हैं वो इक्वली बिरम पे होती हैं और अगर डेल्टा जी आपके पास पॉजिटिव है सो तो रिएक्शन कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस सो so, ये चीजें हम पढ़ते हैं सो so, आज हमने पढ़ना है कि डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जो इसको अफेक्ट करेंगी सो so, उसके लिए हमें एक इक्वेशन पता होनी चाहिए दैट इज योर डेल्टा जी इज इक्वल टू तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी इन चीजों पर डिपेंड करेगी हम अब क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे उस टेबल में हम ये देखने वाले हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो डेल्टा जी है वो हमारे पास क्या आ जाए नेगेटिव सो so, हम यहां डेल्टा एच की वैल्यू लिखते हैं यहां हम लिखते हैं डेल्टा एस की वैल्यू यहां हम लिखेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं और यहां पर हम रिमार्क लिखेंगे मतलब किस टेम्परेचर पे है लो टेम्परेचर पे है या कैसे है So, पहली चीज अगर मैंने लिया डेल्टा एच की वैल्यू ले ली नेगेटिव डेल्टा एस ले लिया पॉजिटिव डेल्टा एच है नेगेटिव डेल्टा एस है पॉजिटिव ये हर कंडीशन में क्या आएगी वैल्यू नेगेटिव आएगी सो so, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो so, ये स्पॉन्टेनियस में टिक कर देते हैं हम इसको यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू करके लिख देते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगी रिमार्क मीन ऑल कंडीशन होगी ऑल ऑल कोई भी ले रहे हो सो so पे ये स्पॉन्टेनियस होने वाली है सेकेंड कंडीशन अगर मैं लेती हूं डेल्टा so एच मैंने ले लिया मान लीजिए पॉजिटिव और डेल्टा एस ले लिया मैंने नेगेटिव डेल्टा एच मैंने लिया पॉजिटिव डेल्टा एस मैंने लिया नेगेटिव डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया और डेल्टा एस नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया मतलब

दो कंडीशंस बनेंगी ये एक स्पॉन्टेनियस भी होगी और एक नॉन स्पॉन्टेनियस भी होगी पहले देखिए स्पॉन्टेनियस कब होगी ये टर्म आपके पास नेगेटिव कब हो सकती है अगर टी डेल्टा डोमिनेट कर जाए मीन्स हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं उस टाइम पे तो ये स्पॉन्टेनियस होगी सो हम यहाँ रिमार्क में लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी सो तो ये कहाँ आएगी लो टेम्परेचर पे नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि इसमें हमारे पास लास्ट केस आएगा उस लास्ट केस में हम क्या ले सकते हैं हमने फिर से डेल्टा एच की वैल्यू को नेगेटिव लिया और अब डेल्टा एस भी हमने क्या ले लिया नेगेटिव ले लिया डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब ये नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा एस नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया अब क्या होगा अब, हो? अब कंडीशन ये है कि अगर हम डेल्टा एच जो है हमारे पास डेल्टा एच जो है वो अगर टी डेल्टा एस से बड़ा होगा जो डेल्टा एच है अगर वो टी डेल्टा एस से बढ़ोगा क्या आएगी नेगेटिव आएगी, सो so, इसका मतलब क्या है एट लो टेम्परेचर तो हम बोलेंगे जो रिएक्शन है वो क्या हो गई स्पॉन्टेनियस हो गई और अगर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो हाई टेम्परेचर पे डोमिनेट कर जाएगी टी डेल्टा एस वाली सो एट हाई टेम्परेचर जो होगा जो हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस गया मैंने टिक मार्क दिखाया दैट रिप्रेजेंट स्पॉन्टेनिटी और जो यहाँ पे क्रॉस दिखाया इसका मतलब लो टेम्परेचर पे क्या होगा ये टर्म डोमिनेट करेगी ये टर्म में डेल्टा एस नेगेटिव था नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया सो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर यह रिएक्शन क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी so, ऐसे ही ओपर वाले की भी आप कंडीशन मैंशन कर सकते हैं जब हमने ये वैल्यूज ली थी डेल्टा एच पॉजिटिव था और हमारे पास डेल्टा एस क्या था पॉजिटिव डेल्टा इज पॉजिटिव होगा और ये spontaneous कब होगी होगी तब जब टी डेल्टा डेल्टा ग्रेटर देन होगा एच पे और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी जब डेल्टा एच ग्रेटर देन होगा टी डेल्टा एस के सो so, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले तो तो question हैं तो क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है सो द फेवरेबल कंडीशन फॉर अ अस्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर तो so, हमें बताना है कि फेवरेबल कंडीशन क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तो हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पता है डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव और डेल्टा जी किसके बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के सो so, अभी हम यहाँ से ऑप्शन चेक करें जब भी आपने एम करना है तो ऑप्शन के थ्रू आपको जाना चाहिए सो यहाँ टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन एच टी डेल्टा शुड बी इक्वल टू एच वो कब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे इक्वल इक्वल जी जीरो का वो तो रिएक्शन इक्वरम पे आ जाएगी तो वो स्पॉन्टेटी का क्राइटेरिया नहीं है इसका मतलब सीओ डी तो वैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिए उसके बाद नेक्स्ट है ये दोनों चीजें बची और ये हमें पता ही है टी डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन आएगा डेल्टा एच के सो कंडीशन क्या होगी सो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते तो वैसे भी जा सकते हैं ये दोनों ऑप्शन हमारे पास आगे डेल्टा एच पॉजिटिव दोनों में डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव आ गया ओवरऑल टर्म को आपको नेगेटिव लाना है वो कब पॉसिबल है अगर डेल्टा एच जो है आपके पास वो क्या हो पॉजिटिव हो तभी हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है सो डेल्टा एच पॉजिटिव दोनों में है सो डेल्टा एस हमें क्या चाहिए डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ये आपने ट्राई करना है ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन में और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं एंड स्टे ट्यून फॉर सो मोर सच वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग